जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मालूम चलने वाला है कि बागेश्वर धाम सरकार 1 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक बागेश्वर धाम पर भूत प्रेत दरबार, पेशी का दरबार तथा दिव्य दरबार कौन कौन सी डेट में लगाने वाले हैं, और न्यूजीलैंड से बागेश्वर धाम पर बागेश्वर सरकार कौन कौन सी डेट में आएंगे, कौन सी डेट में न्यूजीलैंड से बागेश्वर गुरुजी बागेश्वर धाम पर आ जाएंगे तथा दिव्य दरबार लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, बागेश्वर धाम सरकार 1 अगस्त को बागेश्वर धाम पर नहीं आएंगे। 1 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक बागेश्वर धाम सरकार न्यूजीलैंड में ही रहेंगे तथा मेरे प्यारे दोस्तों, 8 अगस्त की रात तक बागेश्वर गुरुजी धाम पर पहुंच जाएंगे। अगर 8 अगस्त तक नहीं पहुंच पाए तो 9 अगस्त तक बागेश्वर धाम पर बागेश्वर गुरुजी पहुंच जाएंगे तथा 10 अगस्त को शनिवार का दिन पड़ रहा है और भूत प्रेत दरबार लगाएंगे। आप लोगों को बताइए, जिस दिन शनिवार का दिन पड़ता है उस दिन भूत प्रेत दरबार लगता है तथा बागेश्वर गुरुजी को अगर समय लगता है तो दिव्य दरबार भी लगा सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है। बात करते हैं 11 अगस्त की। 11 अगस्त को बागेश्वर धाम सरकार बागेश्वर धाम पर रहेंगे और 12 अगस्त को भी बागेश्वर गुरुजी बागेश्वर धाम पर रहेंगे। अगर उनके मूड में आया, अगर कहीं नहीं जाना हुआ, बारिश वारिश का मौसम चल रहा है, अगर बारिश नहीं हुई हो सकता है, अगर उनके मूड में आया तो दिव्य दरबार भी लगा सकते हैं। तो बात करते हैं 13 अगस्त की। 13 अगस्त को मंगलवार का दिन और मंगलवार के दिन पेशी मान्य होती है तथा जिनकी पेशी मान्य नहीं हुई है या लोग दिव्य दरबार में जाकर जिनकी अर्जी लग चुकी है, वह बागेश्वर धाम पर गुरु जी के शयन करवाकर पेशी को मान्य करवाएं और पेशी दरबार का आनंद प्राप्त करें। बागेश्वर गुरु जी 13 अगस्त को अगर जैसे ही समय मिलता है तो 13 अगस्त को भी दिव्य दरबार लगा सकते हैं। अब बात करते हैं 14 और 15 अगस्त की। 14 अगस्त को बागेश्वर गुरु जी बागेश्वर धाम पर रहेंगे, अगर उनको समय मिलता है तो दिव्य दरबार लगा सकते हैं, ये कंफर्म नहीं है। बात करते हैं 15 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक। तो 25 अगस्त तक बागेश्वर धाम सरकार बागेश्वर धाम पर रहने वाले हैं और इस बीच में 15 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक बागेश्वर धाम सरकार दिव्य दरबार भी लगाएंगे। 15 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक 10 दिन तक लगातार गुरुजी दिव्य दरबार भी लगाएंगे और 20 अगस्त को मंगलवार का दिन पड़ रहा है और इस मंगलवार के दिन में के समय पेशी भी मान्य होगी और पेशी का दरबार लगेगा बागेश्वर धाम पर। जो जो बागेश्वर धाम पर आना चाहते हैं वह मंगलवार को आकर अपनी पेशी को मान्य करवाएं, गुरु जी के सिग्नेचर करवाएं तथा अपनी 21 पेशी को पूरा करें। जो बागेश्वर गुरु जी ने आपको नियम बताए हैं उनको आप फॉलो करें। तो 13 अगस्त को और 20 अगस्त को बागेश्वर गुरु जी मंगलवार की पेशी चढ़ाएंगे। मंगलवार पे 13 को और 20 अगस्त को बागेश्वर धाम पर रहने वाले हैं गुरु जी। तो मंगलवार को पेशी का दरबार लगेगा और शनिवार को भूत प्रेत का दरबार लगेगा 10 अगस्त को। यह रही पूरी जानकारी अगस्त महीने की और 25 अगस्त के बाद में क्या प्रोग्राम होंगे बागेश्वर धाम पर, इसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर दें, जिससे जैसे ही बागेश्वर धाम से आप लोगों के लिए वीडियो डालेंगे वह आपको प्राप्त होती रहेगी। अगली और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, उसके लिए जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम। अपना ख्याल रखें। जय बागेश्वर सरकार की जय।